गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं खेत को अभी अभी। तो ये रही कल जो हमने बोरियां ढोई थी गोबर की, और उधर रहे गोयल जी। आज जा रहे हैं हम लोग, गोयल जी लगाएंगे टिल्लर। मैं भी जा रही हूँ इनके साथ पेड़ के आसपास खोदने के लिए, एक आदमी चाहिए होता है टिल्लर पकड़ने के लिए, एक आदमी चाहिए होता है। तो अभी हम लोग टिल्लर लगाएंगे, जब गाड़ी वाले आएंगे तो उसके बाद हम फिर से आएंगे वापस इन बोरियों को ले जाने। गाइस, जब भी हम लोग खेत को यहाँ होके गुजरते हैं तो हम लोग यहीं का पानी ले जाते हैं पीने के लिए। गाइस, आज भर रहे हैं हम लोग एक ही बोतल। आज है सोमवार, गोयल जी ने आज छुट्टी की है। अभी हम लोग अपने नौ तोड़ा वाले जगह में पहुंच चुके हैं। मैंने निकाले हैं दो प्लम, एक गोयल जी के लिए एक अपने लिए। यहाँ पे हम लोग मक्की बीजेंगे नौ तोड़ा वाली जगह पे। उसके बाद हम लोग हमारे ये वाले खेत से ऊपर है सुईरोपा नामक जगह, वहाँ पे भी बीजेंगे हम लोग मक्की। तो वहाँ के लिए हमने गोबर भरी है, यहाँ पे डाली थी हमने गेहूँ बीजी थी जिस टाइम, उससे पहले अपना वाला प्लम खा लेते हैं। टेस्टी है बहुत, सेंटा रोजा प्लम है ये। इस साइड को गोयल जी ने पहले भी लगाया था टिलर, तो एक बार फिर से घुमा रहे हैं जल्दी जल्दी। ये वाली साइड में नहीं लगा है तो यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे टिलर। तो सभी पेड़ों के पास की मिट्टी मैंने निकाल दी है ताकि जो इसका तना है वो भी ना सड़े, और पानी देने के लिए भी जगह बन गई। इस बार बारिश अच्छे से नहीं हुई तो हम लोग पाइप से ही पानी दे रहे हैं हर जगह। सो गाइस, ये जब हम लोग गेहूँ काटने आए थे, मैंने आपको ये वाला पेड़ दिखाया था, सतलुज पर्पल वैरायटी के प्लम है ये। तो इस बार आप देख सकते हैं प्लम पक चुके हैं, आई थिंक ज़्यादा पे हो गए हैं। गोयल जी बता रहे थे कि ज़्यादा पे पके हुए हैं ये, आप देख सकते हैं दबर आए तो ज़्यादा पके हुए हैं। तो जो ये सतलुज पर्पल के प्लम है इनको हम आज निकाल के ले जाएंगे। साथ ही साथ ये देखिए हिरोमी रेड प्लम, डैडी ने टॉप किया हुआ है कुछ एक पेड़ों को, ये भी है सेम, और उधर भी है सेम चीज़। गोयल जी ने भेजा था मुझे प्लम लाने के लिए, ले जाते हैं पके पके एक आध खाने के लिए। लो खाओ, सच में हुए हैं कुछ एक तो ज्यादा ही बरोबर। सतलुज पर्पल निकलता रेड ब्यूट के साथ साथ। सबसे ज्यादा टेस्टी कौन सा प्लम होता है? सेंटा रोजा तो होता ही है, देखो पूरे हिसाब का पका होगा ना, बहुत ही टेस्टी। देखो है इसकी फ्रेग्रेंस, इसका टेस्ट वगैरह ये जबरदस्त है सेंटा रोजा का। हां, बहुत ज्यादा ही ओवर है इसकी। थैंक यू लेते हैं, जूसी जूस भी बनेगा, जैम इसका बनेगा। ऊपर ऊपर वाला खेत हम लोगों ने पहले कर लिया था तो ये वाला भी हो गया है, बस मेरे पास रह गया है नीचे वाला। टिलर यहाँ पे लग गया है, बस मेरा काम बचा हुआ है, इसका काम बचा हुआ है। तो गाइस, अब हो गया लास्ट खेत का काम भी। गोयल जी ने टिलर यहाँ पे रखा था और खुद चले गए थे सेव बाग को। हमारे एक पड़ोसी का हो गया था टिलर खराब, बोला उसका कुछ सामान लाना था। तो गोयल जी ने कहा था अपना काम करके आई वहाँ रोड को, फिर चलेंगे घर को, क्योंकि जो गाड़ी वाले हैं वो घर में पहुँच चुके हैं सब्जी मंडी से, बोला। तो गोयल जी आ गए उधर से हॉर्न मार रहे हैं। हम लोग खाना खा के आएंगे फिर से, गोबर लेके गिशी को भी लाएंगे, गिशी को रखेंगे उधर नानी के घर। चले, हम लोग घर में पहुंच गए हैं, ये लग गई हमारी थालियाँ। गाइस, 11:41 हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी, ऊपर गाड़ी आ चुकी है, गोयल जी गए हैं गाड़ी लोड करने। तो मैंने गिशी का सिर्फ मुँह ही धो लिया, नाई नाई कराएंगे इसकी बुआ इसको, क्योंकि गीजर में पानी गर्म ही नहीं था। तो ये रहे गिशी के कपड़े, हम लोगों के कपड़े भी हम भी नहाएंगे नीचे दिन को। खाएगा वो, जिमी खाती है, जिमी खाती है। देखो पापा जी ऊपर है, चलो बेटा। गाड़ी हो गई लोड, कर ली इन्होंने गाड़ी लोड। तो 4 मिनट के बाद आओ, खन लगे चल दे अपना ऑटो ना, फिर गिशी जाना ऊपर। गिशी की बुआ को कर रहे हैं कॉल, क्या आओ गिशी को ले जाने रोड को। तो गाइस, आधी बोरियां यहाँ पे उतार रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर को है चढ़ाई और तंग सा रोड है। विपिन को कर दिया पैक।
तो अभी मैं ले चल रही हूँ स्कूटी को, जी और विपिन गए इस गाड़ी में, ये लग गई स्कूटी। इसके परली साइड है हमारा खेत और ये रहा चाचू वगैरह का घर जिन्होंने ये वाला रोड खुला है। तो अभी जा रहे हैं ये दूसरी वाली बोरियां लाने, मैंने सोचा कहाँ को जा रहे हैं, ये तो सिर्फ आधी बोरियां आ गई, आधी नीचे उतार के रखी है। तो गाइस आ गए वो लोग सभी, कोयल जी वगैरह बैठे उधर पेड़ों के पीछे बोल रहे कि जा पानी ले आ। तो यहाँ पे देखिए गाइस पके हुए आलू बुखारे, थोड़े से खाते हैं अभी, बाकी शाम के टाइम खा लेंगे। तो मैं जा रही हूँ निचली साइड जहाँ पे हमने सुबह टिलर लगाया था, बस हमारे खेत के नीचे एक और खेत है, उसके नीचे है दूसरा खेत, वहाँ पे हम लोगों ने सुबह पानी की बोतल भी लाई थी, उसी बोतल को लाने जा रही हूँ मैं, और कुछ सामान होगा वो भी लाऊंगी। ये मैंने पैक कर दिया है सामान इसमें सारा, टायर वगैरह यहीं रखेंगे क्योंकि गोयल जी वगैरह बाद में आएंगे टिलर लेने, तो टिलर ले जाने के लिए टायरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस विपिन भी हमारी हेल्प करने आए हैं, गाइस कड़ी धूप में लगे हुए हैं, मैं एक बोरी ढो रही हूँ, ये लोग दो दो बोरियाँ ढो रहे हैं उतने में। आधी बोरियां बिछा ली है खेत में, तो थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने बोरियां रखी हुई है यहाँ पे सूखने के लिए। तो गोबर की सारी बोरियां ढो ली और खाली भी कर ली, इन सभी बोरियों को यहीं पे रखेंगे सुखाने के लिए। नहीं नहीं अच्छा हूँ, 1:40 हो गए, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग नानी के घर को। हाय हाय, कहाँ बैठे थे? क्या बोल रहे नानी जी? ना सुंदर बना के रखा है इसको बुआ ने, दिखाओ गीशी की बॉल देखो। मैंने और मामी जी ने पूरे खेत में गोबर फैला दिया है, अब आएंगे गोयल जी टिलर लगाने, और आज नानी के घर में स्टे होगा। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, बाय बाय।